रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 10 सितंबर से खेली जानी है। इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। कानपुर में इसका पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी न्योता दिया गया है। आपको बताते चले कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। बहरहाल बात करें अगर इस सीरीज की, तो इस सीरीज में मैच से पहले बॉलीवुड नाइट का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और इसमें बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक नोरा फतेही का नाम इस लिस्ट से गायब है और उनके विकल्प के तौर पर सनी लियोनी या मलाइका अरोड़ा को आयोजक का मनाने का प्रयास कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि नोरा फतेही इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी हुई है। इस वजह से आयोजक उनके नाम पर विचार करने से बच रहे हैं और उनके विकल्प के तौर पर सनी लियोनी या मलाइका अरोड़ा में से किसी एक नाम को फाइनल किया जा सकता है और उनके मैनेजर से भी संपर्क बनाया जा रहा है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों ने मैनेजर से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और मलाइका अरोड़ा या सनी लियोनी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल मलाइका अरोड़ा की परफॉर्मेंस फीस ज्यादा है, इस वजह से सनी लियोनी पर ज्यादा विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बॉलीवुड नाइट में कार्तिक आर्यन, श्रद्धा कपूर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। इसके अलावा आयोजकों ने उनको इन्वाइट करना शुरू कर दिया है और आयोजक चाह रहे हैं कि दो और सेलिब्रिटी इसमें परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएं। इसको लेकर ही अन्य सेलिब्रिटी से संपर्क साधा जा रहा है। अगर मलाइका अरोड़ा और सनी लियोनी के नाम पर मोहर नहीं लगती है तो अनन्या पांडे, शक्ति मोहन, नीति मोहन में से किसी एक पर विचार किया जा सकता है। अगर इन सेलिब्रिटीज़ के फीस की बात करें तो मुंबई की पीआर एजेंसी के मुताबिक सभी सेलिब्रिटीज़ अपनी अलग अलग फीस लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन जब परफॉर्मेंस करते हैं तो वह 35 से 45 लाख रुपए 28 मिनट की परफॉर्मेंस के लेते हैं। इसके अलावा नोरा फतेही, जिनका नाम ड्रॉप कर दिया गया है, वह करीब 50 लाख रुपए अपने आधे घंटे की परफॉर्मेंस का फीस चार्ज करती हैं। वहीं बात करें अगर सनी लियोनी की, तो सनी लियोनी करीबन 30 से 40 लाख रुपए अपनी आधे घंटे की परफॉर्मेंस का चार्ज करती हैं। तो मलाइका अरोड़ा की फीस इन सबसे ज़्यादा है, वह करीब 55 से 60 लाख रुपए 29 से 30 मिनट की परफॉर्मेंस के चार्ज करती हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस सीरीज़ में सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर 9 तारीख को प्राइवेट जेट से वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम देशों की टीम भी वहां पहुंचती हुई नजर आएगी। बात करें अगर खिलाड़ियों और साथ ही बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के स्टे की, तो कानपुर के लैंडमार्क टावर होटल को बुक किया गया है, जिसमें बॉलीवुड समेत खिलाड़ी स्टे करेंगे और साथ ही बताया जा रहा है कि होटल में आफ्टर मैच पार्टी भी होगी, जिसके लिए भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस और तमाम सेलिब्रिटीज़ को न्योता भेजा गया है। बहरहाल 10 तारीख से इसका आयोजन होगा और कानपुर में पहला मैच खेला जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाएंगी। तब तक आप वन इंडिया के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।